नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वैम्पायर टिक। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैम्पायर टिक के इस एपिसोड में। गाइज, लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को एक और झटका देते हुए सहारा की एमबी वैली की नीलामी के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टर्स का पैसा न लौटा पाने में असमर्थ सहारा ग्रुप के लिए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के भी आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से 17 अप्रैल तक सेबी सहारा रिफंड खाते में 5092.6 करोड़ जमा करवाने के आदेश दिए थे। इसका अनुपालन न होने पर कोर्ट ने एमबी वैली को जब्त किए जाने का आदेश दिया है। सहारा की एमबी वैली की कीमत 39,000 करोड़ है। सितंबर 2012 में इसकी कीमत 34,000 करोड़ आंकी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सहारा से रकम की वसूली ना होती है तब तक ये टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी। सो गाइज, बी अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद वैम्पायर न्यूज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।